आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स फ्रॉम हियर। अभी 10:30 बजे हुए, बारिश हो रही है। तो एंकर खोला तो उसके बाद अवलांच आ गया। अवलांच का मतलब रनिंग रिवर ऑफ स्नो। तो वो अवलांच आ गया, वो लड़की अवलांच में खो गई और सभी दब गए, सभी खो गए। So we were just saying bye to the owner. हमारा भारत महान, दूसरे देश में जाके भी मैं कह सकती हूँ मेरा देश महान, बट अब तो दूसरा देश कहता है कि आपका देश महान। तो फाइनली जो आपने इतनी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज देखी थी, ये दोनों है मालिक इन प्रॉपर्टीज के। वो जो लास्ट वाली तो मजा ही आ गया, मैंने बहुत ही लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। आई गेस अब हम झूठ छोड़ना, सच सच छोड़ना बोलेंगे कैमरा में। ये इसके बाद ना आम खिलाएंगे। खरीद के लाए सर, पक गए वैसे, बात है हमें मंगाने थे। चोरी करने की कोशिश की थी, गिर गई, दो की थी और उसको चोट लग गई थी मैंने। और एक बड़े हो गए तो थोड़ा सा गंदा लगता है, छोटे में तो कितनी चोरियां की होंगी पता ही नहीं। बड़े हो गए थोड़े, बचपन चला है, दिल तो बच्चा है। अब ये एक और खासियत क्या है कि जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सब किसी सीनियर सिटीजन ने प्लांट किए। ओह वाओ, दैट इज नाइस। कोई भी सीनियर आता है, दे प्लांट वन ट्री। ऐसे करके हमारे पास 40-50 ट्री हो गए। सो पीपल हैव गॉट अटैच्ड टू द ट्रीज आल्सो, सो दे कैन कम बैक सून। दिस टेबल्स आर फ्रॉम लद्दाख, वी ब्रॉट। ओह दैट्स नाइस, अगेन इंस्पायर्ड बाय लद्दाख सेटिंग। देन वी हैव अपस्टेयर्स आल्सो रूम, इज दिस इज कॉल्ड किंग्स नेस्ट। ओके, व्हाई सो यू विल कम टू आई गेट इट। जैसे राजा वो जब बाहर निकलते थे उसको पूरा अपना वो दिखता, शहर दिखता था ना। या सो दैट्स हाउ यू, ओह वाओ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रूम, दैट इज सो नाइस। वो हमारा है उस साइड, बट यहाँ पे पहले से बुकिंग थी, सो वी कुडंट कम दिस साइड, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। आई थॉट इट्स ऑल फिनिश्ड, बट देन वी हैव अ स्मॉलर वन, अ स्मॉलर विला काइंड ऑफ सिचुएशन। आई थिंक एवरीबडी शुड डू दिस थिंग इन देयर हाउसेस, क्योंकि इतना, क्योंकि आर ओ का पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसी से गार्डनिंग सारी होती है। एंड इफ यू कम हेयर यू गेट दिस प्रॉपर ये वाला व्यू आपका। सर इज इन टू एक्चुअली तो रिवर्स माइग्रेशन का जो रियल कॉन्सेप्ट है ना, हम तो जी रहे हैं उसको। वी हैव एक्चुअली रिवर्स माइग्रेशन व्हाइल रनिंग दिस प्रोजेक्ट, वी आर एक्चुअली रिवर्सिंग माइग्रेशन जो भी अपने लेवल पे। तो हम इट स्टार्ट्स विद अस, तो वी डूइंग दैट। इंडिया बेसिकली भारत, ऑफ कोर्स हमारा देश महान, हमारा भारत महान, दूसरे देश में जाके भी मैं कह सकती हूँ मेरा देश महान, बट अब तो दूसरा देश कहता है कि आपका देश महान। सही बात, चेंज। आई हैव सीन पीपल, जब मैं पहले यूएस जाता था और अब पीपल नो व्हाट इज इंडिया। पहले इंडिया कहाँ है और अब अच्छा इंडिया, ओके, दे हैव अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर थिंग्स। हमने अभी तो 10% भी इंडिया नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा हमने, सिटीज में चले जाते हैं। मैं पूरी लाइफ में अगर 10% इंडिया देख लूं, आई एम लकी। तो जब साइड में से हम निकले तो उन्होंने ऐसे यू टर्न किया, तो फेस नीचे भी नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं करते ना, नॉर्मली जैसे अच्छा कोई है, लेकिन उन्होंने यू किया और फिर यू किया। कर्नल साहब थे वो, बेकार हो तुम, मतलब मैंने ये सोचा ट्राई कर लेते हैं। देखो दो चीजें होंगी, समटाइम बंदा नहीं सोचता कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा कुछ करूंगा, तो औकात पता लग जाती है। तो व्हेन यू ट्राई यू विल कम टू नो इधर यू कैन डू इट, या बेटा जो कर रहे हैं ना वही कर ले, ये भी नहीं कर पाएगा नहीं। तो उसी फेज में अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्लैरिटी मिली नहीं है, नहीं क्लैरिटी, औकात है कि नहीं है आपकी, है जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ग्रो करेंगे। हम लोगों को डिनर में पुलाव बनाना है, तो हम लोग कुछ सब्जी चावल वगैरह लेने आए हैं। अभी हम डिनर बना रहे हैं, तो डिनर में ये अभी हमने बनाया है, क्या बनाया है, ये फ्राइड राइस पुलाव। अभी क्या कर रहे हैं, आलू चॉप कर रहे हैं इसके, इसको ऐसी चिप्स की तरह फ्राई कर देंगे बस। हाँ, और अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे कच्चे आम की और प्याज और हरी मिर्च, इसकी हम बनाएंगे चटनी। जस्ट लुक एट
तो इस गाइस काटकुनी में हमने अपना खुद का खाना बनाया है एंड इट्स नॉट कि उनके पास है नहीं, इट्स जस्ट लाइक वी वांटेड टू स्पेंड, पता है कुकिंग में टाइम काफ़ी सारा लग जाता है, सो हमारे काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो ये नहाने वाने के बाद सब अपना बढ़िया खाना वाना खा रहे हैं। दिख रहा था तुम्हें? आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स फ्रॉम हियर, जस्ट लुक एट इट। एक्चुअली मेरे घर वाले लड़ रहे हैं। मेसमराइजिंग व्यू। ये हमारा प्यारा सा कॉटेज फॉर टुनाइट। चिल चिल सीन चल रहा था अभी हम सब का, तो अभी सबने आई थिंक सब सोने जा रहे, थोड़ा दीदी दीदी बातें कर रही है अपने, लाइक यू नो व्हेन यू आर टुगेदर दे टॉक अबाउट, इतनी सारी बातें कर रहे थे भाई वो अपने बचपन की। मैं तो बिल्कुल ऐसे फील कर रहा था, मैं वहीं पे था, बहुत अच्छा लगा है ऑनेस्टली। इट इज़ सो नाइस टू जस्ट टॉक टू देम एंड देन लर्न एक्सपीरियंसेस उनकी तरफ से, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस। तो ओह दे आर हैविंग अ फाइट राइट नाउ, लाइक हम रिसर्च करते हैं फिर देखते हैं कौन सही है। दैट्स अ ब्यूटिफुल मून फॉर यू गाइज एंड यू नो वॉट आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरी यू नो समडे आई विल बी नियर टू दैट मून एंड व्हेन आई लुक बैक व्हेन आई बी लुकिंग एट द लाइफ आई हैड आई विल बी जस्ट लाइक सेइंग वन थिंग वाओ व्हाट अ जर्नी लव। गुड मॉर्निंग, नया दिन और हम लोग अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना अच्छा सा लग रहा है, आप मुझे देखें, और बारिश हो रही है और अभी 10:30 बजे हुए हैं, बारिश हो रही है, 10:30 बज गए हैं। हमें लगा था कि अभी तो 7:30 बजे होंगे शायद, और एकदम टाइम देखा तो 10:30, और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, हवा इतनी अच्छी ठंडी ठंडी लग रही है, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है, और पहाड़ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो हमारे सब सो रहे हैं, लव को भी उठाया हमने, कितना अच्छा वेदर है। ऊपर पहाड़ पे भी ऊंचाई पे घर बने हुए हैं। रात का नज़ारा अलग था और यहाँ पर अभी किस तरह से पहाड़ों के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, बारिश हो रही है। मेरे से पहले किसी और ने होल्ड कर लिया था कैमरा, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओ थोड़ी सी मेरा कैमरा भीग रहा है तो मैं ज्यादा कुछ, बट दिस इज सो गुड। अभी एक्चुअली मैं एडिट कर रहा था, मैं सुबह उठते ही एडिट करने लग जाता हूं। देखो कितनी डेडिकेशन ब्रो। तो जब भी आप ब्लॉग देख रहे हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर, एटलीस्ट कमेंट लाइक्स तो करके जाया करो एंड इट्स प्रीटी मच यू नो द आवर ट्रिप इज एंडिंग टू। चलो अंदर चलते, नहीं तो कैमरा भीग जाएगा, फिर नया कैमरा लेना पड़ेगा और पैसे कम है अभी मेरे पास। सो बेसिकली वी गॉट सब्जी पूरी सुबह, ये देखो सब्जी पूरी खाएगी सुबह सुबह। मैं अभी एक्चुअली एडिट कर रहा हूँ साथ में एट द सेम टाइम। सो ये यहाँ के भैया है, हेलो दीपक कैसे हो यार ब्रदर, ऊपर दिखाओ तो यार, ये काफ़ी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी करते हैं क्या। हाँ अब तो बारिश का वेट कर रहे, कब खत्म होगी जब जाए। तो मैंने यहाँ की प्रॉपर्टी तो दिखाई नहीं थी ज़्यादा, आई गेस यू नो दिस इज काटकुनी एंड देन यू हैव दिस 1 BHK काइंड ऑफ सिचुएशन हियर। प्रॉपर्ली लाइक काफ़ी आई थिंक इतना स्पेशियस है कि कम से कम 6-7 लोग इजीली 8 लोग आराम से फिट इन हो सकते हैं। वो एक मैम थी, वो एक्सपीडिशन लेके गई थी। हाँ। तो उनके साथ एक ही लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे। हाँ। तो वो उस सबको मैगी के पैकेट देते हैं जब हाइट पे खाना तो बनता नहीं है। कहाँ गए थे तुम करेट? मैं गई थी भागीरथी 2 एक्सपीडिशन। तो वहाँ पे हमें स्टोरी बताई थी उन्होंने रास्ते में। हाँ। कि ये गंगोत्री मंदिर से लेके और गंगोत्री ग्लेशियर तक 100 दुकान हुआ करती थी पहले। हाँ। तो उन्होंने सबको उस एक्सपीडिशन का, जो दूसरा एक्सपीडिशन कभी गया था उसकी, तो उसमें सबको उन्होंने मैगी के पैकेट दे दिए कि हाइट पे मैगी बना के खाएंगे। तो जो लड़की थी उसने रास्ते में एक दुकान वाले को अपने मैगी के पैकेट दे दिए कि जब मैं वापस आऊंगी ना तो आप मैगी बना के मेरे को दे देना। तो जब एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हो गया, जब सबमिट हो गया, उसके बाद वो नीचे आ रहे थे रोप फिक्स कर, आई मीन रोप अप होके, सारे रोप अप का मतलब होता है सब एक दूसरे के साथ एंकर करके होते हैं। तो उस लड़की को वॉशरूम जाना था। तो उसने कहा कि मैं एंकर खोल कर चली जाती, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एंकर खोलना, तो उसके बाद अवलांच आ गया। अवलांच का मतलब रनिंग रिवर ऑफ स्नो। तो वो अवलांच आ गया, वो लड़की अवलांच में खो गई और सभी दब गए, सभी खो गए। तो उसके बाद एक दूसरे को सबने ढूंढ लिया, वो लड़की मिली नहीं उसको, क्योंकि रोप नहीं बंधी हुई थी उसको। हाँ, वो एंकर्ड नहीं थी, बाकी तो सब मिल गए एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तो फिर वो अपने टेंट में वापस आ गया, फिर उस लड़की को फिर ढूंढने निकले, 2 दिन तक उसे ढूंढते रहे, तो वो मिली नहीं। वो लोग वापस आ गए कि भाई तो मर गई है या कहीं खो गई है, कुछ नहीं पता उसका। तो जब वापस आए उसी मैगी वाले के पास, उन्होंने चाय पी, मैगी खाई,
तो मैंने बोला कि वो लड़कियाँ आपके साथ थी वो आई थी दो दिन पहले और यहाँ पे मैगी जो उसने मैगी के पैकेट रखवाए थे और वो खा के गई है, तो वो सारे के सारे हैरान एकदम कि वो तो मिली ही नहीं हमें और वो तो मर गई। उन्होंने जैसे ही बताया कि भाई वो लड़की तो हमारे साथ थी और ऐसे से हुआ, वो मैगी वाला बेहोश हो गया और उसके बाद वो काफ़ी दिन तक तो बीमार ही रहा। उस लड़की की आत्मा हर दुकान वाले के पास जाती हर रोज़ और वहाँ पे मैगी बनवा के खाती थी। धीरे 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 सब लोग सारी सौ दुकानों पे खा दी उसने। सब सब के पास जाती थी फिर सब ऐसे बीमार हो गए और मतलब वो पागल टाइप्स हो गए। तो अब वहाँ पे कहते हैं एक भी दुकान नहीं है, हम जब गए तो हमने देखा रास्ते में एक भी दुकान नहीं थी, तो उस लड़की की आत्मा घूमती थी वहाँ, हमने जो सुना और वो सच्चाई है। That's crazy actually. मेरे को तो वो गूज़बम्प से आ गए एकदम से ऐसे सुनते सुनते, मैं माय गॉड, मैंने काफ़ी इमेजिनेशन में अच्छा हो, जब कोई स्टोरी का सुना था मैं वहीं पहुंच जाता हूँ एक्चुअली, और कुछ नशीले पदार्थ करे होते फिर तो बिल्कुल मैं फील करता हूँ मैं ही वो। देखो बैठ गया तो गाड़ी में। सो आई गेस वी आर ऑल डन, वी जस्ट पैक्ड आवर स्टफ, आई मीन सब ने अपना सामान वामान पैक कर लिया बढ़िया से, सब जा रहे हैं अपना सामान पैक करके। देखो सफ़र ख़त्म तो होता ही है, जब भी तो सफ़र सुहाना होता है। ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग में। तो बेसिकली आई गेस कल रात को हमने ज़्यादा शूट नहीं करा, वी वर एक्चुअली सिटिंग है, ये टपरी है यहाँ पे, तो टपरी पे बैठे हुए थे, तो दीदी तो इस पर झूल रही थी। हाँ जी सर। So we were just saying bye to the owner. बहुत अच्छा था। तो थारा एक्सपीरियंस कैसा रहा जल्दी बताओ। तुम तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए इस ट्रिप पे। हाँ। कि सब पांचों। बहुत बढ़िया था। हाँ। आई थिंक लड़ाई ना होती तो मजा ही ना आता फिर। लड़ाई तो उसमें एक गार्निशिंग बोलते हैं ना, हाँ। सैलेड के ऊपर गार्निशिंग वो थी। मुझे बहुत मजा आया, सारे इकट्ठे हो गए ना। हाँ, और वो स्पेशली कौन सा स्टेज ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें? दूसरा पुराने वाला ना, वहाँ पे थोड़ा सा जगतपुरा वाला, जगतपुरा तमें सारा एक्सपीरियंस कैसा है? पर मुझे वो जैसे ना जैसे पीछे ये पहाड़ जैसा कुछ है पर वहाँ पर वो खुला खुला था तो दूर तक नजर जाती और कुछ नहीं दिख रहा था। तोते उड़ा रहे थे निश्चल ने, बन गई मेरी तो वीडियो। चलो गाइस थैंक यू सो मच, आई मीन बाय बाय एवरीवन, बाय बाय हियर, चलो हम चलो दिल्ली, बाय प्लीज बाय दिस प्लीज, चलो 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 भागते। बड़े वाला ले गया फिर ले। इतना बदतमीज है बंदर, यहाँ देखो चने पड़े है अपना, अभी हमने वो एक बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ गया वो दूसरा?